नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इसरो में बहुत बड़ी बहुत अच्छी अप्रेंटिस के लिए, जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो कृपया, जिनका सपना रहता है स्पेस सेंटर में जाने के लिए, तो उनके लिए इसरो ने वैकेंसी निकाल दी हैं अप्रेंटिस के लिए। तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये फॉर्म टोटल ऑफलाइन है, तो कैसे भरा जाएगा इसमें सारा फॉर्मेट मैं दिखाऊंगा। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहें, कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो भी दिखाऊंगा मैं इसमें। तो एक एक सारी चीज़ बताने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को शेयर भी कर दें और फ्रेंड्स लोग सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए नोटिफिकेशन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र PSSC। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो इसका ये देखिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, इलेक्ट्रिक मैकेनिक में 40 वैकेंसी हैं और फिटर में 47, टर्नर में 20, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एवं AC में 18, मशीनिस्ट में 20, मैकेनिक मोटर गाली मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल इसमें 10 हैं, इलेक्ट्रीशियन में 10, इलेक्ट्रो प्लेटर में 4, PASSA में 50, वेल्डर गैस व विद्युत में 6 और डीजल मैकेनिक में 10, नल साज में मतलब प्लम्बर में 11, फाउंड्री मैन में 3 और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 28। तो ये हैं, और एक और है प्रयोगशाला सहायक रासायनिक संयंत्र लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो इसमें 20 वैकेंसी हैं। और ये देखिए अभी योग्यता क्या, विनिर्देश ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र अनंतिम NTC, मतलब इसमें केवल और केवल जिन्होंने NCVT से ITI कर रखी है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इसमें स्टाइपेंड कितना रहेगा, स्टाइपेंड आपके लिए 8050। कुछ वैकेंसी हैं तो इसमें स्टाइपेंड दे रखा है, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें स्टाइपेंड 8050 है और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें कम भी है। तो जिनमें कम है वो जैसे PASSA, पासा, वेल्डर, ठीक है, डीजल मैकेनिक, नल साज, प्लम्बर, फाउंड्री मैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल। मैकेनिकल में ड्राफ्ट्समैन में 8050 हैं, बाकी के इसमें ऊपर वाली में 7700। और प्रयोगशाला सहायक के लिए इसमें 9000 हैं, तो इसमें देखिए स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा है। और प्रशिक्षण की अवधि कार्यग्रहण की तिथि से 1 वर्ष होगी और वृद्धि ऊपर दिए तालिका के अनुसार है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं, इसमें शर्तें दी रखी हैं, केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें जो अपने पाठ्यक्रम में पास हुए हैं, जो पास हो चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा जारी ITI NTC प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं, राज्य व्यावसायिक मतलब SCVT वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो ये देखिए, और इसमें आगे देखिए ये पढ़ सकते हैं आप, पूर्व या प्रशिक्षु या वर्तमान में किसी संगठन में कार्यरत प्रशिक्षु पात्र नहीं है। अगर कोई वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, तो इसमें वो इसके लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 31/3/2022 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष होगी, OBC के लिए 33 वर्ष, SC ST के लिए 35 वर्ष होगी, ठीक है। मैक्सिमम एज दे रखी है और अपने अपने श्रेणियों में PWD अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त डील दी जाएगी, जो PWD वाले अभ्यर्थी हैं उसके लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त डील दी जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को चाहिए कि SSLC, SSC,
AISSC से आगे प्राप्त की गई योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां यदि कोई हो तो समुदाय प्रमाण पत्र यदि SC ST है से है। अगर कोई बंदा SC ST से है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। वर्गेतर प्रमाण यदि OBC से है तो लगेगा उसका। आय तथा अस्थि प्रमाण पत्र यदि EWS से है, आय प्रमाण पत्र भी लग सकता है इसमें। और EWS वाला अगर EWS से कोई अभ्यर्थी है तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। और अस्वस्थ यदि PWD है तो भी प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। तो आपके पास मतलब जनरल को छोड़कर बाकी को इसमें कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रशिक्षण अवधि पूरा होने के पश्चात विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी भी अन्य केंद्र में रोजगार के लिए इन प्रशिक्षणार्थियों को कोई दावा नहीं रहेगा। मतलब इनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, रोजगार का कोई दावा नहीं है। अब देखिए इसमें आवेदन कैसे क्या करना है। इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न जीवन व्रत प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र संस्था पत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियां के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी भर्ती एवं समीक्षा अनुभाग BSSC तिरुवनंतपुरम 695022 को दिनांक 4/4/2022 या उससे पहले भेजें। मतलब लास्ट डेट इसकी 4/4/2022 है, मतलब 4 अप्रैल 2022। अब आपको भेजना किस पते पर है ये पता लिखा हुआ है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भर्ती एवं समीक्षा अनुभाग BSSC तिरुवनंतपुरम 695022 पिन कोड नंबर है ये, इस पते पर आपको भेजना है। तो ये पता आप नोट कर लें और इसको भेजना है आपको। फॉर्म मैं अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा, फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो और अगर कोई इंग्लिश में भरना चाहता है तो ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर भेजें। तो अभी मैं फॉर्म दिखाता हूँ, फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, तो चलिए दिखाता हूँ। और भी अप्रेंटिस से अगर किसी को कोई भी वैकेंसी के बारे में जानकारी पानी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि इससे नई वीडियो जो भी मैं अप्रेंटिस से वैकेंसी आएगी तो उसकी वीडियो मैं डालूंगा इस पर, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अप्रेंटिस से वंचित रहे, अगर कोई अप्रेंटिस करना चाहता है तो वो ज़रूर करे। क्योंकि मैं भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा हूँ, तो कृपया आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो ज़रूर करें। देखिए ये आपको दिख रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का फॉर्मेट, फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो इसमें इसका फॉर्मेट है। तो इसमें पूरा भर के दिखाऊंगा मैं तुम्हें, तो कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, ठीक है। तो इसमें मैं केवल बता सकता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज का, ठीक है। और किस ट्रेड में आपको करना है, आपकी मतलब आपने ITI किस ट्रेड से की है वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। पूरा नाम साफ अक्षरों में मतलब ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर नाम लिख देना है अपना, जन्म तिथि सन ईस्वी में, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है। और देखिए आप मेल हैं या फीमेल, मतलब इसमें ये जिस पर अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, ठीक है। तो इसमें टिक कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति आप मैरिड हैं या अनमैरिड, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर और अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर। राष्ट्रीयता आपकी क्या है, नेशनलिटी, तो केवल इंडियन लिए जा रहे हैं तो आप इंडियन भरेंगे इसमें। धर्म आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, पारसी है तो पारसी, सिख है तो सिख, तो इसमें धर्म रिलीजन भर सकते हैं। तो क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति OBC EWS PWD के सदस्य हैं? अगर आप OBC EWS PWD इसके अगर सदस्य हैं तो आप इस पर यस कीजिए, यस का टिक कीजिए, ठीक है।
यहाँ लिखा है, यदि हाँ तो कृपया उचित कॉलम पर टिक करें तथा आपका कथन आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणीकृत प्रति से समर्थित होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं तो इस पर यहाँ टिक कर सकते हैं, ठीक है। अपना परमानेंट एड्रेस, स्थाई पता आपका क्या है वो यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड और दूरभाषा फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर हाँ, और यहाँ पर पर्सनल पता, प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपनी ज़रूर फिल करें, क्योंकि इस पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज वगैरह आते रहेंगे। योग्यता, आपकी योग्यता क्या है वो इसमें फिल करनी है। जैसे योग्यता के ब्योरे, SSLSC मतलब यहाँ 10th, ठीक है, उत्तीर्ण परीक्षा, यहाँ 10th भरना है इस पहले कॉलम में। संस्था, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, इसमें बोर्ड का नाम, कब किया है, यहाँ ईयर का नाम, यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन से लिए हैं आपने 10th में वो, और अंकों का परसेंटेज, श्रेणी व विशेष योग्यता यदि कोई हो तो, यहाँ पर आपकी कितनी परसेंट रही है। अगर श्रेणी दे रखी है तो श्रेणी इसमें भरनी होगी, ठीक है। आप यहाँ 10th तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और 10th के साथ में अगर आप 12th लगाना चाहती हैं तो आप 12th लगा सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव तथा प्राप्त प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षितों के ब्यौरा यदि कोई हो तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें भर सकते हैं आप, किस संगठन से कर रहे हैं वो इसमें भरें, पदनाम क्या है आपका, वेतन रुपए कितने मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, ड्यूटी कैसी है आपकी, ठीक है, कब से कब तक है, छोड़ने का कारण, उसको छोड़ना पड़ेगा अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस अगर आपने किसी से कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाया है तो आपने छोड़ा होगा तो किस कारण से छोड़ा है वो इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। क्या पुलिस द्वारा आपको कभी गिरफ्तार किया गया या हवालात में रखा गया, आप पर अभियोग चलाया गया, या न्यायालय द्वारा किसी अपराध या दुराचार के लिए सजा दी गई, या क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, यदि हाँ तो कृपया ब्यौरे प्रस्तुत करें, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ तो इसमें यहाँ ब्यौरा देना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म, ये घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन है आपको, इसमें डेट डालनी है और साइन करनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वो अप्रेंटिस वालों के लिए ही है, और वहाँ से मैं उसमें फॉर्म डाल दूँगा और नोटिफिकेशन दोनों डाल दूँगा। तो कृपया इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और जो व्यक्ति नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।